वहीं अगर बात नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां से चुनाव लड़ रहे आजाद प्रत्याशी सरदार जसवंत सिंह का कहना है कि उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग मिलता जा रहा है और जनता के सहयोग से वह निश्चित ही जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि नीलोखेड़ी हलके में बदलाव की लहर चल रही है, इसलिए जनता का मूड भी बदलाव का है। अब की बार जनता ऐसा विधायक चाहती है जो जनता के बीच रहकर हलके का संपूर्ण विकास करे। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजने का कार्य किया तो सबसे पहले क्षेत्र की भलाई के लिए कार्य करेंगे। बहुत वधिया लोगों का आशीर्वाद है, मेरे भरावान का, छत्ती बरादरिया का आशीर्वाद मैनू मिलन दिया। मेरे अपने भरावान का आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन छत्ती बरादरी का भी आशीर्वाद बहुत वधिया मिलन दिया। मैं जितांगा इलेक्शन लगता तो इदा का पिया कुछ माहौल कि आजाद उम्मीदवार ही सरकार बनाएंगे। जिन्हें इतने बैठे ने सारे जिमीदार बंदे हैं, साढ़े कोई ट्रैक्टर खलोता है 10 साल पुराना, कोई खलोता 15 साल पुराना ट्रैक्टर। साढ़े बच्चे उत्थे ट्रैक्टर लैके जाते हैं, उत्थे घेर के बहते हैं, आलसी विखाओ। 50,000 का ट्रैक्टर है, 1,00,000 रुपया जुर्माना पा देंगे, वो किहड़े पासे जावांगे। सानू आम जिमीदारां बड़ा तकड़ा, पिंडां वालियां नुकसान है। साढ़े मुद्दे जी होस्पिटलां दे विच अल्ट्रासाउंड मशीनां कोई नहीं हैगियां, हॉस्पिटल चले जाओ। सड़कों का तुम वेख लो, जिहड़ी सड़क मर्जी वेख लो, बुरा हाल, इन्ने बुरे हाल ने। इन्हां नूं 50 सालों के सड़क तक नहीं बनिया, तो इन्ना कोई विकास तो है ही नहीं गा। ये मैं जनता को यही अपील करांगा कि आने वाली 21 तरीक न तुहाडा भरा आने वाली 21 तरीक न चक्की दे वोटां अपना मोहरा लाओ, चक्की वाले नूं वोट दिओ ते कामयाब करो। बाकी सारिआं नूं तुसीं वेख लिया, कांग्रेस नूं भी वेख लिया, इन्हां नूं भी, भाजपा नूं भी वेख लिया कि इन्हां काम कीते ने। ज्यादा मैं इन्हां बारे नहीं आंदा, जो पब्लिक सारी जानदी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज़ में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।